No light. No light. No light. No light. No light. अनशन प्रशासन अनशन प्रशासन अनशन प्रशासन अनशन कंपनी अनशन कंपनी अनशन कंपनी बिजली दो बिजली दो बिजली दो। 14 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ पे समस्या है, सेक्टर 19 सेक्टर है ये उड्डा का, और सरकार ने क्या किया, अनशन को दे दिया डेवलपमेंट करने के लिए। EDC IDC सरकार ने ले ली अंसल से और इनको दे दिया भी 4-5 साल में सारी सुविधा के साथ आप ये तैयार करो सेक्टर और जनता को दो। तो सब कुछ चलता रहा, लेकिन इन्होंने NOC नहीं ली अंसल ने, ये बैंकक्रप्ट हो गए, ये जेल में चले गए। अब सरकार के हाथ में बात चली गई है। अब यहाँ ना तो पानी है, ना बिजली है, ना रोड की कोई सुविधा है। अगर हम गवर्नमेंट को कहते हैं तो वो कहती है कि ये तो प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन जबकि 19 उड्डा का सेक्टर है, सरकार ने ही उसको अंसल को दिया है, सारी चीज़ें उसने दी है। उसके बाद भी हमारे को पैसे दे के बिजली नहीं मिल रही है, सब जगह मिलती है फ्री बिजली, बहुत सारे सुनते हैं फ्री बिजली ले, हम बिजली भी पैसे ले के लेना चाहते हैं, जो रेट लेना है वो ले लो, सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन बिजली देने को तैयार नहीं है। हाँ, एक तरीके से तैयार है, आज ही हमारी बात हुई है, अगर हमें इतने पैसे दे दो फाइन के रूप में, इतने रुपए हमें फाइन के रूप में दे दो, हम कल बिजली दे देंगे। अगर तरीके से बिजली लेनी है तो 10 साल में मिले, 5 में मिले, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर इतने करोड़ रुपए आप सारे अंसलवासी दे दो तो हम कल लाइट दे देंगे आपको, कहीं से लाएं। किसने मांग की है ये? मांग की है हमारे डिपार्टमेंट में, अभी हमारे जो बात हुई थी वहाँ पे बिजली डिपार्टमेंट ने ये बात कही है, जो हेड है हरियाणा का बिजली डिपार्टमेंट का, उसने ये बात कही है। अगर भाई 14,000 रुपये पर किलोवाट हमें प्लस GST, 17,000 किलोवाट बनती है ये, उसके हिसाब से पर किलोवाट दे दो आप हमारे को सारा अंसल, जबकि आम आदमी से लिया जाता 2,000 किलोवाट, हमारे से ले रहे हैं 17,000 किलोवाट। तो ये हाल है, क्यों, क्या ये लोग यहाँ वोट नहीं देते, क्या ये लोग मतलब इनकम टैक्स देते हैं, GST देते हैं, सारे काम सब कुछ सरकार को दे रहे हैं, और एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो बिजली की, वो नहीं मिल रही हमारे को। पहले पैसे भरे भी तो गए थे, निगम का क्या कहना है? निगम का ये है कि भाई हमारे को निगम में डाल दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रोड की बात आती है MLA कहता है कि जी आप हमारे निगम के अंडर नहीं है, यहाँ हम अपना पैसा नहीं लगा सकते, ना MLA लगा सकता, ना MP लगा सकता, ना मुख्यमंत्री लगा सकता, ये कहाँ की बात हुई? जबकि सर यहाँ से सारे टैक्स सब कुछ लेने लग रहे, हमें निगम भी ले रहा हमारे से, प्रॉपर्टी टैक्स भी ले रहे हैं, लेकिन जब बात आती है काम की तो कहते हैं नहीं आपका तो प्राइवेट वो है, जबकि सारी इनकम टैक्स भी बंद कर दो, हमें कोई जरूरत नहीं सरकार से ले। जितना अंसलवासी इनकम टैक्स दे रहे हैं, GST दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं ना, वो बदलो हमारे से, हमारे हम आप अपने आप कर लेंगे फिर, अगर ये बात है तो। सड़कों का बहुत बुरा हाल है यहाँ, बारिश के टाइम में बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, ब्लॉक में भी जाकर देखो आप, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, कोई भी है नहीं बनाने वाला नहीं है। पीछे बिजली डिपार्टमेंट ने 5,000 रुपये लिया था पर बिल भरने का एडवांस, वो आपके बिल में कट जाएगा। तो लोड यहाँ पे है 14,000 कुछ है, लेकिन लोड बहुत ज़्यादा है, पीछे से सप्लाई 17,000 है मेरे ख्याल, और 48,000 किलोवाट का बोर्ड यहाँ पे है, तो कोई सुनने वाला नहीं है, सारे फरार हैं, मालिक मैनेजर सब फरार हैं, और सारे राजनीति चमका रहे हैं अपने यहाँ पे। क्या चाहते हैं? चाहते क्या है, इसको ले अपना गवर्नमेंट ले अंडर में, साड़ी को और क्या करेंगे, चोर कंपनी है ये अंसल, 1,25,000 रुपये गज का रेट है, क्या करेगा बोलो, क्या मकान बनाएगा बंदा यहाँ ना, आदिवासियों की तरह रह रहे हैं। अब सरकार से एक निवेदन है कि इसको डिक्लेयर्ड ही कर दें, जीवन तो हमारा वैसे ही है, ना बिजली है, ना लाइट है, ना पानी है, सरकार को यहाँ से हर प्रकार के टैक्स चाहिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स चाहिए, या हम रजिस्ट्री कराते हैं तब टैक्स चाहिए, बिजली का बिल देते हैं उस पर GST चाहिए, मगर चाहिए चाहिए है, वोट भी चाहिए, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ प्रोवाइड नहीं करवाना। अब अखबारों के माध्यम से एक चीज़ के बारे में पता चला है कि 14,000 प्लस GST मिलाकर 17,000 पर किलोवाट के हिसाब से हमारे को जो बिजली विभाग है ये अलग मीटर प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। मान लो मेरे घर में 10 किलोवाट का कनेक्शन है तो मुझे 1,70,000 रुपया देना पड़ेगा, उसके बाद वो हमारी समस्या सुनने के लिए तैयार हैं। और अब हमारे यहाँ पे एक नया 19 सेक्टर कट रहा है, जगह अंसल के अंदर भी पड़ी है, अंसल के सराउंडिंग भी है, लगभग 800 प्लॉट हैं,
जब वहाँ बिजली का ट्रांसमिशन देंगे, उसके लिए सेटअप बनाएंगे, उनके लिए 2000 रुपया पर किलोवाट है, तो हमारे लिए 17000 क्यों? ऐसा तो नहीं कि हमारे से पैसे लेकर सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाकर किसी को 2000 में दे और किसी से 17000 ले। तो मेरे एमपी एमएलए से, सरकार से, बिजली विभाग से ये निवेदन है कि ये इतनी पार्शियलिटी क्यों? अगर हमने प्राइवेट कॉलोनी में मकान ले लिया तो क्या गलती कर दी? मकान भी लिया भी तो इसी वजह से ना कि आपने, सरकार ने उनको लाइसेंस दिया। अगर लाइसेंस ना लेते तो नहीं लेते। झुग्गी झोपड़ियों वाले जो अनऑथराइज कॉलोनी है, वहां सरकार अनऑथराइज होने के बावजूद वहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रही है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां, लाइट है। और लोग बोलते हैं, कई एक ऐसे एरिया हैं जो अनअप्रूव्ड हैं, वो कहते हैं हमारे को लाइट की तो कोई समस्या ही नहीं है, और हमारे को समस्या ही समस्या है। हमारे बच्चे भी नहीं सो पाते, 2.5 साल का मेरा बेटा है, उसको भी पता है कि रात को लग जाती है लाइट, पापा कट, उसको और कुछ नहीं पता, पापा कट। तो ये समस्याओं का निजात सरकार ने हमारा दिलवाना है, और आप हमारी आवाज बनो, सरकार तक आवाज पहुंचाइए। हम पिछले 13 साल से बिजली और पानी की समस्या फेस कर रहे हैं, 13 साल से सारी रात लाइट नहीं आती, इन्वर्टर जवाब दे जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं वो सारी रात परेशान होते हैं, तड़पते हैं, और वो आज का टाइम भी वही है, 13 साल पहले भी यही था, आज भी वही है, आज तो उल्टा और बढ़ गया, 26 घंटे लाइट नहीं आती। अब पीछे 2 दिन लाइट ही नहीं आई, रात 9 बजे से लाइट गई हुई, रात को 11:30 बजे इन्होंने लाइट तब दी है जब हमने सुबह अंसल का गेट नंबर 2 बंद किया है, उसके बाद रात को कैंडल मार्च निकाल ली है, तब इन्होंने हमें रात में लाइट दी है, और अब फिर वही है, रात भी 4-5 घंटे का कट है, दिन में भी कट है। इतनी लाइट शहर में नहीं जाती, कहीं नहीं जाती जितनी अंसल में प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन तो हमें चाहिए ना। रात को बच्चों को भागना पड़ता है, अपने बच्चे उठा के भागना पड़ता है, कोई गांव में जा रहा है, साथ में रिश्तेदार है उनके घर जा रहे हैं, या फिर फैक्ट्रियों में जाके सो रहे हैं, सुबह फिर वहां से बच्चों को जल्दी उठा के लाएं क्योंकि स्कूल भेजना है, बिल्कुल जरा सी भी वो नहीं है, कितना सो होगी, बच्चे भागे भागे मर रहे हैं, नींद आती है, 1 घंटा भी मुश्किल से भी नहीं हुआ कि लाइट चली गई, तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। हमने इनको 13 साल हो गया, हमें 12 साल हो गए, पर यही हाल देखते आ रहे हैं, यहाँ तक कि मेंटेनेंस का बिल बढ़ते हैं लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं, इतना बुरा हाल है कि पानी कचरा, अंसल की बजाय गांव बहुत अच्छे हैं आज से। इस कंपनी ने हमें लूट लिया है, मतलब इतना पूरी जिंदगी की कमाई लगाने के बावजूद भी हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला जो हमें दिखाया गया था। इस कंपनी ने, ये कहते हैं ना कि भाई प्राइवेटाइजेशन आजकल हो रहा है, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन, उसके मैं कहता हूँ कि सरकारी डिपार्टमेंट बहुत अच्छे थे, उनमें इतना करप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ तो करप्शन बहुत हद से ज़्यादा है। कोई भी चीज़ अपनी रजिस्ट्री करानी है और कुछ कराना तो ये पैसे मांगते हैं, बिना पैसे ये काम नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मेन समस्या है, ये बेसिक समस्या है, ये समस्याएँ हमारी सरकार दूर करे, क्योंकि अंसल कंपनी ने हाथ झाड़ लिया है और सरकार जो है इसमें इंटरफियर करके अंसल कंपनी को दबाव डाल के ये हमारा काम पूरा कराए, नहीं तो ये हमारा धरना यहाँ पे लगातार चलता रहेगा। और ये भी है कि हम वोट नहीं देंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है।